स्वागत है आप सभी का। आज हम जानेंगे कि क्या सेल्फ स्टडी आईआईटी जेई की एग्ज़ाम के लिए इनफ होता है। आईआईटी जेई जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, वो सेल्फ स्टडी में भी सफिशिएंट होता है, बट ये इंडिविजुअल्स के डिसीजन, डेडिकेशन, प्रिपरेशन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। जेई एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसके कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। जैसे कॉन्सेप्ट्स बोले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के ज़्यादातर अच्छे तरीके से होने चाहिए। आइए हम जानते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ स्टडी फॉर जेई क्या क्या होगा। फ्लेक्सिबिलिटी, सेल्फ स्टडी आपको अलाउ करता है कि आप खुद से एक अपना स्टडी शेड्यूल बनाएं, अपने वीकनेसेस, अपने स्ट्रेंथ को अपने से एनालाइज करें और अपने से ही ठीक करें। नंबर टू आता है पर्सनलाइज्ड लर्निंग। आप अपने टॉपिक्स पे खुद से फोकस कर सकते हो, जितना आपको टाइम देना है आप खुद दे सकते हो। आप एक बाउंड्री में नहीं हो कि हाँ मुझे इतने टाइम में इतना ये सब्जेक्ट ख़त्म करना है। नंबर थ्री, इंडिपेंडेंस। सेल्फ स्टडी आपको इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को क्रिएट करने में हेल्प करता है, जो कि एक्चुअली जेईई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर फोर है कॉस्ट इफेक्टिव। सेल्फ स्टडी ज़्यादा कम मतलब अफोर्डेबल होता है रैदर देन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स में ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। और आप अगर खुद से सेल्फ स्टडी करोगे तो आपको ऑनलाइन बेसिस पे बहुत सारे बुक्स, रिसोर्सेज वगैरह सब प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। बट सेल्फ स्टडी में ना कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे डिसिप्लिन आपको रहना पड़ेगा, आपको खुद से ही खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, खुद से ही अपने आप को इतना स्ट्रांग डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा और प्रॉपर एफर्ट्स देना पड़ेगा। नंबर टू है रिसोर्सेज। आपको खुद से स्टडी मटेरियल, बुक्स और ऑनलाइन पे हर चीज़ जेई सिलेबस के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा। डाउट क्लियरेंस, विदाउट अ टीचर और मेंटर डाउट क्लियरेंस और क्लैरिफाइंग कंसेप्ट करना ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग होगा, बट आपको वही चीज़ तो करके दिखाना है। टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर तरीके से ऐसा एक स्टडी प्लान आपको तैयार करना पड़ेगा जहाँ पे आप प्लान कर सकते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कौन से टाइमिंग पे देना है। अब जानते हैं कुछ टिप्स जो कि आपको जेई एग्ज़ाम को सेल्फ स्टडी में प्रिपेयर करने के लिए हेल्प करेगा। पहला तो है अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम पैटर्न। आपको खुद से एग्ज़ाम पैटर्न को प्रॉपर तरीके से समझना होगा, क्या मार्किंग स्कीम है, क्या टाइम ड्यूरेशन होगा, क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, और उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। दूसरा आता है यूज़ क्वालिटी स्टडी मटेरियल। आप अगर किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जा रहे हैं तो आपको खुद से प्रॉपर एक रिसोर्सेज का तैयारी कर देना पड़ेगा, बुक्स का तैयारी कर देना पड़ेगा, जहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से अपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर कर सकें। और तीसरा जो है वो है प्रैक्टिस रेगुलरली। आप अगर खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपका कौन सा चैप्टर्स वीक है उसको हर दिन प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर्स के जेई पेपर्स प्रैक्टिस करिए, ऑनलाइन पे आजकल बहुत सारे मॉक टेस्ट आ गए हैं उसको प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन पैटर्न भी पता चलेगा और प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं उस हिसाब से भी आपको पता चलेगा। चौथा आता है आइडेंटिफाई वीक एरियाज। आप अगर खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको खुद से ये चीज़ जानना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका कौन सा टॉपिक्स वीक है और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा। और लास्ट में है स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे कंसिस्टेंट। आपको हमेशा डेडिकेटेड रहना पड़ेगा टुवर्ड्स योर जेई प्रिपरेशन। आप ये नहीं कि बहुत लेथर्जिक हो गए, बहुत आलसी हो गए, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आप लोग को प्रॉपर तरीके से मोटिवेटेड रहना पड़ेगा क्योंकि ये सेल्फ स्टडी जर्नी है, इसीलिए आपको हमेशा मोटिवेटेड और डेडिकेशन विथ पॉजिटिव एटीट्यूड रखना ही पड़ेगा। अब आते हैं हम प्लूटस IAS जो कि नंबर वन रैंकिंग में आता है। IIT JEE की कोचिंग्स यहाँ पे प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ पे इंटरैक्टिव सेशंस होता है बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। अगर किसी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है तो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से उसको सॉल्व दिया जाता है। अब आएंगे हम thehinduzone.com पे। यहाँ पे मेंटरशिप बहुत अच्छा है, ये नंबर टू रैंकिंग पे आता है, दिल्ली नोएडा में आता है ये। IIT JEE की कोचिंग्स यहाँ पे प्रॉपर तरीके से करवाई जाती हैं, टीचर का प्रॉपर तरीके से सपोर्ट रहता है स्टूडेंट के ऊपर ताकि वो अपनी IIT JEE प्रिपरेशंस प्रॉपर तरीके से कर पाए और उसको अच्छे तरीके से वो क्रैक भी कर पाए। अब आते हैं हम द योजना IAS पे, ये नंबर तीन रैंकिंग में आता है। IIT JEE की कोचिंग्स यहाँ पे प्रॉपर तरीके से करवाई जाती हैं, प्रॉपर रिसोर्सेज प्रोवाइड किया जाता है, प्रॉपर बुक्स प्रोवाइड किया जाता है, पिछले साल के JEE के पेपर्स, मॉक टेस्ट के पेपर्स, सब कुछ आपको डिस्कशन करवाया जाता है, डिफरेंट क्वेश्चन पेपर पैटर्न, कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो हर चीज़ में आपको मदद मिलती है। थैंक यू। आई होप आज जो भी टिप्स दी गई होंगी वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी।